तो कैसे हो बच्चा लोग, आ गए चच्चा लोग लेके नया लॉन्ग वीडियो ऑफ फ्रोजन मोड। आई एम वेरी वेरी सॉरी, वीडियो लाने में हो गई है थोड़ी सी देरी। एक्चुअली हम यश भाई से मिलने गए थे, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, इसलिए समझ सकते हो वो हमारी मजबूरी। और वैसे भी नए मोड को पहले एक्सप्लोर करना होता है जरूरी, उसके बाद दिखानी होती है लॉन्ग वीडियो बना के उसमें प्रो गिरी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। वैसे अच्छा हुआ गाइस, सही टाइम पे रिकॉर्डिंग ऑन करने की याद आ गई। अभी एक भी किल नहीं हुआ है और हम लोग महल पे नहीं उतरे थे, क्योंकि जैसे ही जहाज से कूदे हमको याद आया यार रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं करी है। अब ऊपर इतनी भसड़ मच जाती है महल में कि भैया रिकॉर्डिंग ऑन करने का तो टाइम ही नहीं मिलता, 6-7 बंदे भी मार देते हम। खैर लगे ही रहते हैं ये राज रोक, चलो हमको मिल गई है M4। अब चमकेगा किल फील्ड में, नाम के चच्चा जैसा कोई इंसान कर रहा है सबका काम तमाम। किधर है बंदे, आ जाओ गाइस बंदे। अरे टेंशन न लो बच्चा, पास में ही है चच्चा, करेंगे लड़कियों की रक्षा, उतारेंगे एनिमी का कच्चा। डैमेज है ऊपर। अरे डैमेज हो या ना हो हम तो हैं प्रो, नेड कर रहे हैं। अब जरा पीछे हटो, मेरे घर में ऊपर है डैमेज है, आ जाओ। खत्म, मरेगा वो। नाइस बोला, आ गया बेचारा। तो अर्ज करते हैं गाइज के हिंदी में कहते हैं चावल और अंग्रेजी में कहते हैं राइस। खाओ माँ कसम। हिंदी में कहते हैं चावल, अंग्रेजी में कहते हैं राइस। वाह वा। चच्चा हो जाते हैं पागल जब लड़की कहती है नाइस। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चोरी वोरी मत करना तुम लोग। इस घर में गाइज, इस घर में। मार्क द लोकेशन। आ जाओ। बाहर है हल्का सा कोई आउटसाइड। घर वाले को मारेंगे। किधर से मारा के ऊपर है क्या, नीचे ना? हाँ हाँ ऊपर है, गेट कर दो पीछे वाले घर। नाइस, फिर से बोला नाइस। यार गाइस ये है दुनिया का बेस्ट मोटिवेशन, समझ रहे हो? एक एक किल पे लड़की नाइस बोले हम तो चिकन डिनर तक दम पहुंचा दे गेम को 2 मिनट में। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अरे ऐसे कैसे कोई आ रहा है, हमारी पेप्सी जी को डरा रहा है। किधर है बताना जरा। इधर बैठा है, इधर बैठा है। अरे जब तक दिखा रंजीत भाई ने तब तक लपेट दिया। यार 2-3 बॉट आपस में लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं साइड में, हमको साइड में जाना है, लेकिन ये साले बंदे जाने नहीं देंगे, पहले इनको निपटाना पड़ेगा। ये ले भाई, 1 HP कर दिया। ब्रोकन पे ही है, ब्रोकन पे ही। फटेंगे फटेंगे फटेंगे, डेफिनेटली 1 HP होगा गाइस। अरे ये रहा चैंपियन। अरे किसी और का किल मैसेज आया यार, हमको लगा हमने ये वाला निपटा दिया। ये रहा, अरे एक स्प्रे में 2-2 गए, तारीफ नहीं मिली लेकिन हमें सुनने को। एक और की आवाज आ रही, रुको भाई। लगातार 5 बंदे मारे, पता नहीं कितने स्क्वाड हो गए। क्या लाशें बिछाई है भाई, मेरा तो हो गया 1v4। आ गया मैटर, आ गया कंटेंट, रिकॉर्डिंग भी कर ली थी ऑन। भाई साहब बॉट वॉट थे ना नीचे को 1-2। हाँ पता नहीं किसने मारे, मेरे को सामने दिख रहे थे, मैंने तो एक भी नहीं मारा था जानबूझ के। देख रहे हो मेरा, तो लाशें बिछी हुई हैं, कहाँ है? मार दिया शायद उन्होंने आपस में ही, लड़के मर गए, भारी नुकसान हो गया हमारा। चलो चलो और मारेंगे। अरे हाँ चलो 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 भाई। गाइस देख रहे हो लड़कियां हमारे यहाँ की कितनी प्रो है, मतलब बंदे मारने के लिए कितना उतावले। चलो चलो कैसे नहीं चलेंगे। एक मिनट, ये कौन है? ये बंदा देखा मेरे को, नीचे भाग रहा। शिट, जल्दी आओ पीछे पीछे मेरे। 2 हैं क्या, लड़ रही आपस में? मैं आपके पीछे आ रही हूँ, किसी ने इसको मौली करी है। ऊपर बाहर है, अंदर भी लग रहा है यार। अंदर है क्या, किस आएगा? अरे नहीं, अरे बच गए। देखा गाइस हम बोल रहे थे ना, हमारी चोरियां चोरों से कम है के। आओ आओ। अरे हम तो नौ की आपके पास आने के लिए हुए थे, ताकि आप हमें रिवाइव लगाओ और हम। यहाँ लड़की देखी, लाइन लगाना चलो। इसी बात पे अर्ज किया है गाइस। अरे अरे कहाँ जा रही, कहाँ? अच्छा लूटने नहीं, सही है लड़कियां हैं लूटेंगी। अरे 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 इतनी स्पीड, ओ ओ ओ हमारे लिए भी छोड़ दो मैडम। अरे तो गाइज किल हो चुके हैं, 6 पनौती का था जो रिस्क वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि हम नॉक हो चुके हैं तो सब कुछ हो चुका है फिक्स। अब बस आगे बंदे निपटाने हैं और फिर से नॉक हो जाएंगे तो अच्छे अच्छे बहाने बनाने हैं। ये रहे, अरे वाइटी मार दिया, वाइटी मार दिया, यूट्यूबर मार दिया हमने को। एक मिनट यार, हमको तो खुद यूट्यूबर बन गए हम यार, पहले ही जैसा एक्साइटेड कैसे हो जाते हैं 4 साल पहले जैसा। खैर वक्त बदलता रहे, हम नहीं बदलते, हम तो आगे इधर उछलते उछलते चलते चलते। अब देखो हम कैसे बंदों को पेलते, बताओ। अभी तक रिवाइव ही नहीं किया किसी ने इसको। ये अंदर गया, अरे बहुत ज्यादा डैमेज है, मर जाना चाहिए था इसको तो अभी तक। ये दो हैं अंदर भी एक है अंदर, यहां से आया लेफ्ट लेफ्ट। यार कितना कवर करने की कोशिश करी। एक और अभी नीचे से आ रहा है,
नीचे के ऊपर है, ऊपर है। अब गाइस ऊपर जाने की एक निंजा टेक्निक बताते हैं जो कि आप लोग हजार बार देख चुके होंगे और कई प्रो प्लेयर्स को तो पहले से पता होगी, लेकिन हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं ना इसलिए बताएंगे। ये देखो वी, देखा किधर है वेरेज बंदा गाइस? अरे ये रहा बर्फ के पीछे, उधर है पीछे उसके। बन गया क्या लॉन्ग वीडियो मेरा आज का? 8-9 तो मार ही दिए। अरे 8-9 वाले वीडियो हम बनाते ही नहीं है ना, अब हम अपने आप को मानने लगे हैं प्रो प्लेयर, इसलिए अब हम कम से कम 10-15 किल तो कर ही देंगे तभी बनाएंगे। चलो अब करते हैं उड़न बग्गी की सवारी। वाह वाह क्या स्पीड है, चैंपियन चाचा से चैंपियन दादाजी बन जाएंगे, तब तक तो पहुंच ही जाएंगे। जो पूरी स्क्वाड मेरे ऊपर आ रही है ना कुत्तों की तरह। अरे हम क्या ही कर सकते हैं यार, हमारी गाड़ी चींटी की तरह चल रही है, आपके ऊपर रस कुत्तों की तरह हो रहा है। अरे ले मार ही दिया। अब तू देख अब ये गया बेटे, अब ये गया तू देख। इसका नाम क्या था? सिस्टम का वाइटी था, अनुभव अन्ना भाई, अन्ना करके है। अरे अन्ना वाइटी करके अभी वाइटी भैंस की टांग, जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये एक एक खून की बूंद के लिए तरसे, तुम्हें ये करना है उसके साथ। जी ठीक है। उसकी रूह का आप जाए, उसको अपने होने पे विश्वास ना हो कि मैं क्यों हुआ था। उसके हाथ पांव कट जाए, शरीर का सारा रक्त बह जाए, कि तो उसकी दोनों आंखें नोच खाएं और पेट से सारी आते बाहर आ जाएं। इस तरह का बदला होना चाहिए। जी जय महेश्वरी, मेरा वक्त ही शासन। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? रथ पोचंकी की ओर मोड़ दिया जाए। ये बहुत धीरे चलता है ये, पता है? बिल्कुल ऊपर से जाओगे क्या, सारथी बंदे गिरा देंगे। सारथी डरो मत, सारथी डरो मत। अरे अरे वो रे रूफ उस, अरे वो देख रहे हैं, सारथी मार लेंगे बंदे। आप भी तो उनके ऊपर ले जाओ ना और सरप्राइज एमसी कर दो। आए सरप्राइज एमसी नहीं होता है, सरप्राइज एमएफ होता है। एमएफ समझ रहे हो, मतलब मदर फादर। सारथी अटक गया, सारथी रथ से उतर जाओ नहीं तो सारथी की अर्थी बन जाएगी। एक ये, एक ये दो हैं। अब देखो तुम लोग गॉड लेवल इस पे। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। वो गॉड किसी को मारते नहीं ना, वो तो बचाने वाले होते हैं, इसलिए मारा नहीं हमने गाइस। यही तो होता है गॉड लेवल स्प्रे। अब इंसानों वाले स्प्रे देख रहा है, वो भाग जाएगा पता नहीं, मुझे फीलिंग आ रही है। अरे लेफ्ट में भी बंदे दो हैं, वो उधर ऊपर दो हैं और इधर भी एक है लेफ्ट में, भाग गए वो। किसको? लेकिन अगर आप सच में मेरे को शुरुआत से देख रहे हो ना, ये बहुत से कमेंट करते हैं ना लोग, चाचा मैं आपको 1000 सब्सक्राइबर से देख रहा हूँ, मैं 4000 सब्सक्राइबर से देख रहा हूँ, और ये सब ऐसे झूठ झूठ बोलते हैं। 4 मिनट पहले सब्सक्राइब किया होता है और अपना कमेंट पिन करवाने के लिए बोल देते हैं, मैं 4000 सब्सक्राइबर से देख रहा हूँ पिन कर दो। सच में जो मेरे को देख रहा होगा ना, 100 पहले सब्सक्राइबर से जो देख रहा होगा ना, वो ये नाम देख के समझ जाएगा कि अभी अभी हमारी टीम ने किसको नॉक किया है और हमारी टीम किससे नॉक हो रही है, हमारी फाइट किस टीम से चल रही है। आपको याद होगा मेरे 1 साल पहले के वीडियो में दिखता है मेरा नाम एनएसपी शक्तिमान था, और ये शक्तिमान नाम हमने इसलिए रखा था क्योंकि हमारी टीम में एक डॉक्टर जैकॉल होता था, एक केल्वेस होता था, तो हमने अपना नाम शक्तिमान रख लिया था। अब इधर हम नाम नोटिस नहीं कर पाए इसलिए हम पहचान नहीं पाए थे। जैसे आएगा मैं पेल दूंगा उसको, गलती से आया था। आया आ गया, आ गया आदि। बस बस इसी को तो वहां मारा था। वो एक और ऊपर, एक और ऊपर। अब गाइस इधर इतनी फटी पड़ी थी, हम फिर से नहीं देखे कि इसको किल्विस ने नॉक किया है, लेकिन इसने किल्विस ने देख लिया था। इसको शुरू से पता था कि लॉबी में हम, हमने इतनी ग्लेशियर चमकाई थी, लेकिन फिर भी ये बंदा एक शब्द नहीं बोला। बोलेगा भी क्यों, इसको हम कंटेंट बनाना था ना हमको मार के लिए, बना ले कंटेंट बना ले, हमको कोई और मारे इससे अच्छा हम ही अपने आप को मार लेंगे। वैसे सही बताएं गाइस तो हम जानबूझ के मर गए हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी थी, हम इस घर से बाहर जाना चाह रहे थे और बाहर 2-3 तरफ एनिमी ने घेर रखा था, निकल नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने नॉक फिनिश होके रिकॉल होके वापस से उस जगह पे आने के लिए ऐसा किए, समझ रहे हो? तो आपने बाहर जाके खड्डे में क्यों नहीं करी? अरे बाहर जाके क्योंकि बाहर से ऊपर मार रहे ना एनिमी दूसरे वाले। तो गाइज लेने के लिए, रिवेंज बनाने के लिए कंटेंट हम कर जाते हैं उन्हीं की खोपड़ी पे, बगल वाले घर पे लैंड, लेकिन हमारी किस्मत लिखी गई है गधे की पूछ के बाल से। फैमिली फ्रेंडली, फैमिली फ्रेंडली। ये देखो अबे लेट भी नहीं रहा, कैसे मार रहा है। अब इधर हमको अपने रंजीत भाई से उम्मीद थी कि हमारी खोपड़ी पे लैंड करके हमको बचाएंगे, लेकिन देखो रंजीत भाई उतरे कहाँ पे हैं, नीचे भाई क्या ही टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रहे हैं। अब इधर पे हम अपने आप को मरा हुआ मान चुके थे और इनमें से एक बंदा बार बार उछल रहा था, इसलिए हमने अपना माइक टीम से ऑल पे लगा लिया, और ये हमारी गलती थी। अगर हमने पहले ही ऑल पे लगा लिया होता तो हम पहले ही वाली मौत नहीं मरते। खैर इधर पे जब रंजीत भाई को किल्विस नॉक करता है ना से, तब मेरा ध्यान जाता है इधर पे। अरे ये तो मेरा, अबे एक मिनट, ओह नाइस राठौड़, नाइस। ये तो भाई वो किल्विस है क्या? हेलो चैंपियन भाई, मैं हूं।
अबे भाई रुक जा, अबे रुक जा राठौर भाई, रुक जाओ राठौर भाई, रुक जाइयो, रुक जाओ, रुक गया। अरे किलवे सबे अभी तेरा नाम पड़ा तब दिखाई हमारी, मैं तुमसे कह रहा हूं तो मैं हूं बोलता रहा। अरे शिट मार दिया किसी और ने ऊपर से। अभी इधर हमारे रंजीत भाई को तो ऊपर से दूसरे वाले एनिमी फिनिश कर देते हैं, लेकिन इधर पे ये भाई हमारा हमको मौका देता है रिवाइव होने का, बोल दे। अरे भाई अभी नाम पड़ा, जब नेट से फटे तब पड़ा मैंने, अबे नहीं क्या बात है, रिवाइव कर दो रिवाइव, मेरे को क्यों तोड़ा भाई, आराम भी हो रहे हो भाई, रिक्वेस्ट निक्स आप करते हैं, देख रहे हो गाइस हमारा शुरुआत से ऐड है, जो दोस्त हमारी आईडी में उसके साथ तक हम नहीं खेल पाते, वो भी ताना मार रहा है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हो, देखा हम भेदभाव नहीं करते, हमारे दोस्त हमारे सब्सक्राइबर्स हम किसी के साथ नहीं खेलते, वीडियो डाल देना चैंपियन भाई, बिल्कुल बिल्कुल नहीं यही फोड़। जाएगी जाएगी वीडियो, नहीं यही फोड़ दूंगा तुम्हें। अब देखो बीजीएमआई के रूल्स के खिलाफ होता है, आप लोग किसी को टीम अप करके मार दो तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर में आता है, इसलिए हम लोग अपने अपने अलग रास्ते चुन लेते हैं और कहते हैं लास्ट में मिलेंगे पेन फाइट करेंगे, हम लोग प्लान के मुताबिक यासनाया निकल जाते हैं, वो लोग हमसे विपरीत दिशा में निकल जाते हैं, लेकिन तभी बीच रस्ते में कुछ बंदे मिल जाते हैं जो हम पे गोलियां चलाते हैं, हम भी पैराशूट से उतर जाते हैं, थोड़ी सी मार खाते हैं, इतने में हम पे क्लोज इन कर जाते हैं, हम थोड़ा बहुत स्प्रे चलाते हैं लेकिन उससे ज्यादा कहीं ज्यादा डैमेज खा जाते हैं, पता चलता है ये तो पूरे के पूरे चार बंदे हैं। अरे किले से, अरे रुक जा, अरे यही है, रुक जा रुक जा। अबे भाई तुम लोग, मैं बोला था यासनाया जा रहे हैं भाई, शिट यार। अब गाइस मेरे और किलवेस के स्क्वाड के अलावा दो ही बंदा बचे थे जिंदा, और वो दोनों बंदे किलवेस के स्क्वाड को लास्ट में मिल जाते हैं तो वो लोग इनको मार देते हैं। अब हम बचे थे केवल जब छह लोग लॉबी में, तब हम लोग इनके पास पहुंचते हैं और हम फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं खुले मैदान में पेन फाइट। मैं तो ऊपर से देखूंगा। अरे देखो देखो, एक तलवार का डैमेज कम होता है, मेरे को एक पेन दिलाओ या फिर चक्कू लो हाथ में। पेन ले ले। कौन आएगा? मैं। अरे बस भाई बस बस बस। किधर हो? ये पूरा टीम के साथ आ गया। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। अरे भाई। नहीं नहीं रुको रुको। ये साला बहुत तेज है। तो गाइस जैसा कि आप हमें जानते हो, हम तो हैं ही प्रो, अगर हम नॉक हुए हैं तो हम अपने दोस्ती में पिघल गए होंगे, वही वही हुआ था इसीलिए हम नॉक हो गए थे जानबूझ के, इससे मेरा साथ छूटा क्या, ये तो साला प्रो हो गया। हाँ तो गाइस जब अब करते हैं गाइस हीलिंग वीलिंग हम लोग, और उसके बाद अगली पेन फाइट, अब किसी और को भेजो अपने टीम में से मेरे पास, ठीक है सबसे पिटूंगा। ठीक है ओए आ जाओ रियोट आ जा। हां हां बनियान किधर है? आप मेरे पीछे पीछे घूमो, ठीक है? कुत्ता बन गया, ऐसा लगा मेरे पीछे, मेरे पीछे बोल, मेरे पीछे देख रहे भाई का, अरे बारे यार एक नंबर, देख रहे हो मुझे इसका बम दिख रहा है, बस किसका बम दिख रहा है? ए, ये क्या बम बम डिगा डिगा कर रहे हो भाई, तुम्हारा और किसका, पड़ोसी का थोड़ी दिखेगा वहाँ। अरे ये सारे कहाँ चले गए, मेरे को तो कोई नहीं दिखा। क्या इज्जत बच गई, इज्जत बच गई गाइस, इज्जत बच गई भाई। और कौन आएगा? सबको मार दो, सबको मार दो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे को पैन मारा, ये मेरे को पैन मारा, फेंक के मारा अभी। तुमने तुमने मेरे को उठा के फेंका, तुमने उठा के फेंका था। इसके बाद गाइस हमारा दोस्त हमसे कहता है कि हम चारों को मार लो चाचा, तुम चिकन डिनर ले लो। हमने कहा नहीं यार भाई, हम यूट्यूबर और यूट्यूबर लोग तो अपने सब्सक्राइबर्स को अपने फैंस को ऐसे चिकन डिनर दान में दे देते हैं, अगर हम उल्टा करेंगे तुम लोगों को मार कर चिकन डिनर ले लेंगे तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। फिर हमारा दोस्त कहता है यार चाचा तुम भूल गए, तुम बॉट मारते हो बे। अरे इज्जत आबरू बची कहां है जो जाएगी? इतना भी सच नहीं बोलना था यार किलवेस भाई, दिल पे लग गई मेरे। मारो मारो, अरे तुम मारो, फिर क्या गाइस इन चारों को कर देते हैं किल, चिकन डिनर हमको जाता है मिल। देख रहे हो कितना बड़ा है हमारे दोस्तों का दिल, दिल ट्राइमिंग में भी फिट बैठ रहा है, इस बार कुछ और नहीं सोचना। चलो फिर परंपरा के अनुसार जाते जाते एक शायरी सुना दे, एक मिनट पहले दोस्तों को बाय बाय बोल दे। ये लो तुम्हारी याद में स्मारक, तुम्हारी याद में सोने का स्मारक बना, नाचो भाई नाचो। तो गाइस अर्ज किया है दोस्त वो नहीं जो दोस्त के लिए चिकन डिनर कर दे कुर्बान, दोस्त तो वो है जो दोस्त की सेटिंग बनवाए, नहीं तो दे दे अपनी जान। और हाँ जान की स्पेलिंग हम जी से लिखते हैं गाइस, समझ रहे हो? हाय गाइस शायरी को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।